What's up guys, this is Ayaz Kickster और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जंप स्पिन हुक किक। सो ये किक जो है आप हर तरह से हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ट्रिकिंग में, फाइट में, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। तो इसके लिए आपको कुछ किकें आनी चाहिए और जो किकें आपको आनी चाहिए वो है हुक किक, स्पिनिंग हुक किक और 360 हुक किक। अगर 360 हुक नहीं भी आती है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आती है तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जंप में हुक किक कैसे माननी है। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, लेट्स लर्न जंप स्पिन हुक किक। सो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ जंप स्पिन हुक किक जो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि किसी को दिखानी है तो अच्छे से अच्छी दिखाएं। तो इसमें हम लोग अपनी जंप स्पिन हुक में हुक किक नहीं मारते, यानी कि हम लोग हील नहीं मारते हैं, हम लोग नॉर्मल सीधा सीधा पैर निकालते हैं जंप में, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्टेप्स में डिवाइड करा हूँ इस ट्यूटोरियल को, तो प्लीज़ स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करिएगा। तो बेसिकली मैं किकिंग लेग आगे रख के मारता हूँ क्योंकि मुझे इसमें वाइंड अप करना होता है और अच्छे से अच्छी जंप स्पिन हुक मारनी होती है। तो मैं वाइंड अप करता हूँ, आप भी वाइंड अप करिए, मेरा सजेशन यही है। तो मेरा किकिंग लेग आगे आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से वाइंड अप करता हूँ, एक स्टेप आगे आ जाता हूँ, किकिंग लेग पीछे। अब जो मेरा वाइंड अप है वो सारा यहाँ आ जाता है। अब मेरे पास पूरा टाइम है कि मैं यहाँ से जंप स्पिन हुक की पिछल के मार सकूँ, ठीक है। तो मैंने ये प्रेशर लिया, यानी कि वाइंड अप किया, ये वाइंड अप हुआ। उसके बाद मैं यहाँ से घूमने के लिए रेडी हो जाता हूँ एकदम, मुझे जंप में जाना है। और फिर मैं अपने टारगेट को स्पॉट करता हूँ कि कहाँ है। उसके बाद मैं इतनी ऊँची जंप स्पिन हुक किक मार पाता हूँ, मार देता हूँ, ठीक है। ये था एक बताने का तरीका मेरा। अब स्टेप्स, स्टेप नंबर वन पोजीशन, स्टेप नंबर टू वाइंड अप, स्टेप नंबर थ्री हम लोगों को करना क्या है, हम लोग अपने पैर को फोल्ड करेंगे और 360 डिग्री जंप कर जाएंगे। किस तरह मैंने 360 हुक के भी ट्यूटोरियल में यही बताया है कि हम लोगों को 360 डिग्री बॉडी घुमानी है, इसमें भी यही होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने पैर फोल्ड करके जंप किया, अब उसमें हम लोगों को अपनी किक को खोल देना है, यानी कि ये हमारी पोजीशन थी तो ये था तो ये कर देना है। तो हमारी किक खुलेगी, वो जंप स्पिन हुक हो जाएगी, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा गाइस प्रॉब्लम होती है दो पैर पे लैंडिंग करना, और दो पैर पे लैंडिंग जब ही होती है जब आपकी किक में हाइट होता है, जंप होता है, तो तुरंत तो नहीं आएगी पर धीरे धीरे आपको आने लगेगी, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगी बट आ जाएगी, प्रोग्रेशन मांगती है ये किक। तो मैं एक जंप स्पिन हुक की दिखाना चाहता हूँ आपको, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस वाली। तो ये है मेरी जंप स्पिन हुक। सो गाइस आप लोगों ने देखा होगा मैंने जो वाइंड अप किया, हाथ बंद करके नहीं किया, बहुत ढीले होके किया, हाथ मेरे बहुत ढीले थे। मुझे सही लगता है, मुझे आपको नहीं पता कि क्या सही लगता है, बट अगर आपको ये सूट कर रहा है, इससे ज़्यादा पावर मिलती तो ये करिए, नॉर्मल मेरी तरह हाथ ढीले रख के करना है तो ऐसे करिए। दोनों ही गाइस इफेक्टिव हैं, आप कोई भी तरीका करिए, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ओके। सो गाइस ये था मेरा जंप स्पिन हुक का डेमोन्स्ट्रेशन पर। तो गाइस अब हम लोग करते हैं फाइट वाली जंप स्पिन। फाइट में इतना टाइम नहीं है गाइस हमारे पास कि हम लोग ऐसे वाइंड अप करें और आके किक मारें, तो कम टाइम है, तुरंत मारनी होती है। तो मैं अपना किकिंग लेग पीछे रखता हूँ अगर मैं जंप स्पिन हुक मारने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें मैं प्रॉपर हील निकालता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, मेरा फाइटिंग स्टैंड ये हो गया, मेरा किकिंग लेग पीछे हो गया। अब ये मेरी फाइट पोजीशन, मेरा साइड स्टैंड है। अब हम लोगों को पहले 360 डिग्री रोटेट हो जाना है, यानी कि 360 डिग्री बॉडी घुमा देनी है, सिंपल, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को किक ऐड करनी है। जब आप पहली बार किक ऐड करेंगे तो आपका पैर सीधा सीधा निकलेगा, यानी कि ये निकलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी बॉडी आप बेंड पीछे को लीन करेंगे तो हील आने लगेगी, ठीक है। ये हमारी पोजीशन, ये हम लोग हवा में, मान लीजिए हम लोग हवा में हैं, ये घूमे, यहाँ से हुक किक, ठीक है। तो अब मैं एक बार इसको दिखाना चाहूँगा, ठीक है गाइस। तो इसको जितने से जितना हो सके स्पीड में मारिए ताकि फाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पड़ जाए ओपोनेंट के, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करे। और इसकी प्रैक्टिस कोई पैडल पे करिए, यानी कि पैड पे करिए, उस पर किक मारिए, अपना टारगेट सेट कर लीजिए, और हो सके तो उस पर जितनी देर तेज से मारेंगे जितनी आवाज़ आएगी वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है गाइस। तो प्रैक्टिस पैड पे भी करिए गाइस, क्योंकि
सो ये था मेरा जंप स्पिन हुक का फाइट वाला। सो गाइस, अब मैं बताने वाला हूँ ट्रिकिंग वाली जंप स्पिन हुक। उसमें कुछ भी नहीं है, बस हम लोगों को जंप स्पिन हुक मार के दोनों पैरों पे आना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इजी तरीका होता है दोनों पैर पे आने का। जो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, उसमें पैर हम दोनों के दोनों यूँ रहते हैं, खुले रहते हैं, तो इसमें हमारा एक पैर फोल्ड रहेगा, ठीक है। तो हमारा सब स्टेप्स वैसे ही हैं, वाइंड अप, ओके, जंप, इसमें भी हम लोगों को एकदम सीधा ऐसे पैर निकालना है, हील नहीं निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग यूँ आएंगे और एक पैर को फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारी किक सही जाए। एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूँगा, ओके। तो गाइस, ये थी मेरी जंप स्पिन हुक किक का ट्यूटोरियल। आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू, और अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बारिश हो रही है, और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरे ट्यूटोरियल्स हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। गुड लक गाइस, गुड लक विद द ट्रेनिंग, पीस।